मुझे पेंटिंग करना पसंद है। ये शेप्स कितनी सुंदर है। अब थोड़ा सा येलो। ये अच्छा है। मैं हमेशा सफाई ही करती रहती हूँ। तुम क्या कर रही हो? ओह हाय मामी, आपको मेरा आर्ट पसंद आया? तुम दीवारों पर पेंट क्यों कर रही हो? सॉरी। कोई बात नहीं। ओह ये टेप काम की है, बहुत काम आएगी। मैंने सॉरी बोला, ये मत करो प्लीज। नई टेप यहाँ लगाऊंगी। मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। एक और यहाँ। वाह मामी, ये लो मजे करो। सच में थैंक यू। ये तो शानदार है। मैं बहुत फेमस आर्टिस्ट बनूंगी। कितना ब्राइट ग्रीन है। अब थोड़ा व्हाइट हो गया मामी। अरे वाह, ये तो शानदार है। ये हुई ना बात, अब टेप हटा देते हैं। इससे स्ट्रेस रिलीफ होता है। लो, तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ है तो सही। मैं और क्या पेंट करूं? I love you, Mrs. Unicorn. Hi, darling. सोने का समय हो गया, चलो। पर मॉम, यूनिकॉर्न्स। कोई बहाने नहीं, अब लेट हो गया है। ठीक है, मैं यूनिकॉर्न हॉर्न निकाल लेती हूँ। नहीं। ठीक है, नाइट नाइट। नाइट मामी। ओ, अंधेरा है। इस जगह पे मॉन्स्टर्स रहते हैं। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? अंधेरे में मुझे लगा मैंने मॉन्स्टर देखा है। कोई बात नहीं, मामी आ गई हैं। थोड़ा दूध पियो, इससे तुम्हें नींद आएगी। थैंक्स मामी। कितनी प्यारी है। नहीं ये मत करना। मुझे बचा लो मिस्टर यूनिकॉर्न। ये यहाँ कैसे आया? रुको, इससे मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया। एक ड्रॉइंग पर प्लास्टिक फोल्डर रखें, यूनिकॉर्न इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत प्यारे होते हैं। प्लास्टिक पर यूनिकॉर्न बनाना शुरू करें, ट्रेस करना आसान है। और इसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने की भी जरूरत नहीं। जब भी हो जाए तो पेपर हटा दें, कार्डबोर्ड बॉक्स पर डॉटेड लाइन बनाएं और फिर इसे काट लें। प्लास्टिक फोल्डर को टेप के साथ बॉक्स पर चिपका दें। इसे अच्छे से पक्का कर लें। एक टॉर्च लें और इसे बॉक्स के अंदर रख दें। बॉक्स बंद कर दें। अब हम इसे सजाएंगे। व्हाइट पेंट के अंदर थोड़ा ग्लो इन द डार्क पेंट डालें। कोई अंडे खाना चाहेगा? इसे अच्छे से मिलाएं। अब लाइट्स बंद कर दें। कुछ मजेदार बनाया जाए। इससे एक बढ़िया पेंटिंग बनेगी और नाइट लाइट भी। आराम से करें क्योंकि हमें ये परफेक्ट बनाना है। प्रोजेक्शन की मदद से ये और आसान हो गया। अच्छा दिख रहा है। मुझे अक्सर पेंटिंग करनी चाहिए। इतना काफी है। मुझे और नहीं चाहिए। तुम्हें कैसा लगा? मामी बहुत अच्छा लगा। मुझे सो जाना चाहिए, मैं थक गई हूँ। कितना प्यारा यूनिकॉर्न है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। रुको। हे कैसे हो? ये लो। क्यों? मैंने सोचा पार्क में क्यों ना पिकनिक मनाया जाए। ठीक है, स्नैक्स पैक कर लेते हैं। ये चलेंगे। मैं सोडा ले लेती हूँ। सब हो गया, अब हम जाने के लिए तैयार है, तो चलो। बहुत मजा आएगा। लगता है घर में ही रहना होगा, और कर भी क्या सकते हैं। तुमने वेदर देखा? रुको, बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज का फोरकास्ट बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत सर्दी होने वाली है, बर्फीली। सच में बहुत ही ठंड होगी। वो दिखा दिखा लग रहा है। जो भी हो तो घर पर पिकनिक मनाएं। मेरे पास ये बड़ी वाटर बॉटल है।
और मेरे पास लाइट्स। चलो काम शुरू करें। बड़ी वाटर बॉटल लें, इसका ढक्कन हटा दें, बॉटल के बाहर ग्लू लगाएं, बिल्कुल इसी तरह। थोड़ी कॉटन लें और उसे ग्लू पर लगा दें। ध्यान रहे ये अच्छे से चिपक जाए। और अब फेरी लाइट्स को बॉटल में डाल दें। ओह, अच्छा लग रहा है, शानदार है, बहुत रोमांटिक। कम से कम हम इस वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं तुमसे ऊंचा कूद सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं इसमें सबसे अच्छी हूँ। मैं दुनिया का सबसे अच्छा जंपर हूँ। मैं सीलिंग पे टच कर सकता हूँ। ये देखो, ओह ये स्नो नहीं है, है ना? नहीं, ये नहीं है, वो मेरी चेयर है। तुमने वो खराब कर दी, माफ करना। क्या तुम भी वही सोच रहे हो? बहुत जबरदस्त होगा। चलो करो, हमें ये ब्लैंकेट चाहिए। तैयार हो? तैयार है। केबल टाइज की मदद से चेयर पर होप अटैच करें। अब इसके ऊपर ब्लैंकेट रख दें। यहाँ क्या चल रहा है, कुछ ठीक नहीं लगता। बस हो ही गया। तुम क्या कर रहे हो? ओ, हाय मॉम। चिंता की कोई बात नहीं है, जरा मुझे दिखाओ। कंफर्टेबल लगता है, मुझे पसंद आया। ये काफी नरम और आरामदायक है, अच्छा लग रहा है। ये मैं अपने लिए रख लूंगी। मुझे इन सब कपड़ों को रखने के लिए जगह चाहिए। चलो अपनी अलमारी खोलें। तो जाओ, इधर तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। यही तरीका है इन्हें अंदर डालने का। चलो अंदर घुस जाओ। बेला, तुम्हें निकल जाना चाहिए। वो आ गए। ओह, इससे बहुत दर्द हुआ होगा और अब तुम्हारे ऊपर कपड़े आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ के लिए एक सिस्टम बनाना होगा और मुझे पता है क्या करना है। इस हक के लिए आपको एक लकड़ी का बड़ा स्लैब और एक डायनासोर वाला खिलौना चाहिए। एक प्लेट से टॉय को बीच से काटें। आउच, मजाक था। अब अलग कर लें और पीछे का हिस्सा अलग रख दें। हॉट ग्लू गन से डायनासोर के आगे के हिस्से के कोनों पर ग्लू लगाएं। इससे पहले ये सूख जाए, इसे लकड़ी के ऊपर लगाएं। अब आप इसके दोस्त इसके साथ लगा सकते हैं। हाँ, क्या ये प्यारे नहीं है? इन्हें अपने किसी भी कमरे में टांगे और एक रैक की तरह इस्तेमाल करें, जिसमें कपड़े, पर्स या कुछ भी टांग सकते हैं। और अगली बार से जब आपको अपनी अलमारी में जगह ना मिले तो घबराएं नहीं, आपके पास और भी जगह है। जैसे कि ये छोटे छोटे डायनासोर्स। देखा, ये कितना आसान है। और अब आपकी अलमारी परेशान भी नहीं होगी, है ना बेला?